तो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन हुंजा टी के बारे में। हुंजा के कई मतलब होते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हुंजा का मतलब मिरेकल यानी चमत्कार होता है, कुछ इसे द लिमिट ऑफ सरप्राइज और कुछ अनबिलीवेबल ब्यूटी भी कहते हैं, और कुछ लोगों की माने तो इसका मतलब हेवन ऑन अर्थ तक होता है। हुंजा टी हुंजा वैली के लोगों की डाइट का एक हिस्सा है जो कि काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल है। अभी हुंजा वैली पट्टी कहाँ है? हुंजा वैली जो है कराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक वैली है जो कि करंटली नॉर्दर्न पाकिस्तान में पड़ती है, जिसे हम POK भी कहते हैं। इस वैली के लोग काफ़ी सुंदर व दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाले लोगों में से एक हैं। और इसके पीछे का राज इनका खान पान इंक्लूडिंग हुंजा टी और इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। दोस्तों हुंजा टी के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वेट लूज करना, ब्लड शुगर कंट्रोल करना और बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बनाते हैं हुंजा चाय। दोस्तों हुंजा टी बनाने के लिए हमें जो सामग्री इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने सब इस प्लेट में रख दिए हैं। मैं 2 कप हुंजा टी बना रहा हूँ, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमें कितना क्या क्या लेना है। सबसे पहले हम सिनेमन स्टिक लेंगे, दालचीनी ये जो आधा स्टिक मैंने ली है, पुदीना मिंट लीफ 7 पत्तियाँ ली हैं मैंने, गुड़ 10 से 12 ग्राम, उसके बाद इलायची कार्डमम मैंने लिए 3 पीस स्मैश किए हुए, जिंजर अदरक मैंने लिया है 10 से 12 ग्राम, बेजल लीव यानी तुलसी मैंने लिए 4 पत्तियाँ और नींबू मैंने हाफ लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। सो फ्रेंड 2 कप पानी और गैस ऑन। पहले हम डालेंगे सिनेमन स्टिक, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, पहले डालेंगे तो अच्छे से पक जाएगा बाकी इंग्रेडिएंट के मुकाबले। फिर स्मैश की हुई इलायची डालेंगे हम ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए, अदरक को हम स्मैश करेंगे ताकि फ्लेवर और अच्छे से आ जाए। ये डाला हमने पुदीना, ये गई तुलसी और ये रहा गुड़। इस मिक्सचर को हम अच्छे से उबाल लेंगे और उसके बाद स्टर करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा बीच में। दोस्तों ये देखिए हमारा मिक्सचर ढंग से एकदम सिमर हो चुका है, और अभी टाइम है इसे छान के निकालने का। स्ट्रेन करने के बाद डालेंगे हम इसमें नींबू, नींबू आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और फिर चम्मच से हम इसे मिला देंगे ताकि नींबू का फ्लेवर पूरी चाय में मिल जाए आराम से। और देखिए कलर इसका एकदम बहुत प्यारा है। सो दोस्तों ये हमारी हुंजा टी बनके तैयार हो चुकी है, अब देखते हैं कैसी है। ये फुल ऑफ अरोमा है जो कि काफ़ी सारे जो हमने इसमें अपने हर्ब्स डाले हैं। सिनेमन स्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से डालें। गाइस इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, सच में यार ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। दोस्तों इसका टेस्ट सच में एकदम ज़बरदस्त है, इसके नाम के जैसे जिसका कि नाम हुंजा चमत्कार ऐसी है। मैंने इतनी स्वादिष्ट टी अभी तक नहीं पी है यार, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे अपने रेगुलर टी से रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारी नॉर्मल चाय रहती है सुबह की। ये टी आपका ब्लड शुगर लेवल कम करती है। सिनेमन यानी दालचीनी जो इसमें पड़ती है वो एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है और हार्ट डिजीज़ को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। अगला जो इंग्रेडिएंट इसमें पड़ता है वो है बेजल लीव, जिसे हम तुलसी भी कहते हैं। तुलसी से काफ़ी सारे स्किन बेनिफिट्स हैं, ये लीवर सिस्टम को सपोर्ट करती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। अगला जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डालते हैं वो है जिंजर यानी अदरक। अदरक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जो कि शारीरिक बीमारियों से लड़ता है और वजन कम करने में भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये हमारी पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करता है। अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट की ओर, मिंट यानी पुदीना। पुदीना के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो 2-3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। ये आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है और मुँह की बदबू को भी दूर करता है। अब बात करते हैं कार्डमम यानी इलायची के बारे में। यह वजन घटाने में मददगार है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, मुंह के कैंसर में लाभदायक है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, खांसी में राहत देती है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो काफ़ी फेमस है, गुड़, जो कि मेरा फेवरेट है। गुड़ हीमोग्लोबिन को बढ़ने में मदद करता है, एमीनिया को कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, स्किन बेनिफिट के लिए भी गुड़ खा सकते हैं। गुड़ आपकी बॉडी के अंदर की गंदगी को साफ़ करता है, जैसे लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, लीवर। लास्ट बट नॉट लीस्ट नींबू लेमन। लेमन से पेट की गैस, मोटापा कम करना, थकान व कमजोरी से छुटकारा दिलाता है। 1 गिलास नींबू पानी आपकी सारी थकान मिटा देता है। तो दोस्तों ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जो हुंजा टी में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट से होते हैं।
इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इस हुंजा टी का टेस्ट जो है बहुत लाजवाब है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आती रहे। और मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।